17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी शहीद हुए। ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांति वीरों को मृत्युदंड दिया गया। ये क्रांति वीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। शेष तीनों क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई, लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा कारागार में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। 17 दिसंबर साल 1928 को क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में 1 महीने बाद 17 नवंबर को शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध लाला जी की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और आज ही के दिन ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर अपने प्रिय नेता लाला जी की मौत का बदला लिया। 17 दिसंबर साल 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोविस ने की। ISI एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। इसका कार्य सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करना है। साल 1959 में ISI को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव प्राप्त हुआ।